जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र कवि राहुल नागपाल। एक बड़ा ज्वलनशील विषय आज दो तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और अब तो स्ट्रीम मीडिया पर बड़ा एक तरीके से बार बार जो है वो देखने को आ रहा है कि बलिया के डीएम भवानी सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के जोन कोऑर्डिनेटर मदन लाल को बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बढ़िया घड़ी, बढ़िया जूते पहनने पर एक तरीके से बेइज्जत किया। मैंने मामले को थोड़ा सा गंभीरता से और थोड़ा सा डीपली सर्च किया तो जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला है क्या। पता चला कि मिड डे मील की शिकायत पर बहुजन समाज पार्टी के नेता मदन लाल जी, जो जोन कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो डीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर के बताया कि मिड डे मील में जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है वो पौष्टिक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। तो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं मदन लाल हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी का जोन कोऑर्डिनेटर हूं। इस बात से उन्होंने कहा कि आप दलित हैं, तो वो भड़क गए डीएम साहब। उन्होंने तो अभी तक अपने नज़र में, अपने मन मस्तिष्क में एक जो तस्वीर बना रखी थी कि दलित होता कैसा है, उन्होंने सोचा था दलित देखने में दलित होना चाहिए, उसके पैरों में फटी चप्पल होनी चाहिए, उसके बदन पर फटे कपड़े होने चाहिए, वो टूटी साइकिल पर आए, वो बाबूजी बाबूजी कहकर आपसे गिड़गिड़ाए, अपने हक की, अपने हकूक की आवाज़ को या अपने अधिकार के लिए वो आपसे आकर के सीधा सवाल ना करे। ऐसी स्थिति में जब उसने देखा कि एक आदमी 25-30 लाख की गाड़ी में आ रहा, उसने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते पहने, ब्रांडेड घड़ी बांधी है, तो उसने सबके सामने ये कहा कि आप दलित हैं, आपने इतनी महंगी घड़ी बांधी है, आपने इतने महंगे जूते पहने, आप इतनी महंगी गाड़ी में आए, आपने इतने महंगे कपड़े पहने। तो ये मानसिकता है, इस मनुवादी सिस्टम की मानसिकता है जो ये दर्शाने की कोशिश करता है बार बार कि दलित उनकी नज़र में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संघर्ष के कारण जो आज दलित, चाहे मैं डिक्की की बात करूँ, डिक्की में 5,000 से ज़्यादा दलित उद्योगपति हैं जो जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे दलित बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, तीन तीन चार चार सूबों के। उसके बाद में जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका जो स्टैंडर्ड पिछले 50-60 साल में चेंज हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस मनुवादी सिस्टम को हजम नहीं हो रहा। अभी भी वो ये चाहते हैं कि जब से ये सरकार, जो मनुवादी सरकार मुल्क के अंदर बनी है, तब से वो ये चाहते हैं कि इनको उसी पुराने सिस्टम में ले जाएं जहां ये 50-60 साल, 70 साल पहले जिस स्थिति में ये लोग रहते थे। तो ये भवानी सिंह नामक जो डीएम है, बाद में हालांकि इन्होंने माफ़ी भी मांगी सार्वजनिक रूप से और ओपनली माफ़ी मांगी उन्होंने ओपन कॉल करके, लेकिन मेरा बार बार ये मन में आता है कि भवानी सिंह जैसे कितने डीएम हैं, भवानी सिंह जैसे कितने अधिकारी हैं जो आज भी, जैसे मुझे बचपन की घटना याद आती है, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो J4 जेंटलमैन पढ़ाया जाता था स्कूल में, उसमें जब जेंटलमैन लिखा होता था तो उसके सामने एक कोट पैंट टाई वाले की फोटो होती थी, तो हमें ये सिखाया जाता था कि जेंटलमैन माने ऐसा व्यक्ति जिसने कोट पैंट टाई पहने हो। जब हम घर जाते थे घूम करके, स्कूल से वापस जाते थे, तो हम रास्ते में किसी को बुग्गी में बैठ करके, ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ करके किसी किसान को देखते थे, या घर में आकर के अपने दादा दादी को देखते थे, तो हम सोचते थे कि जेंटलमैन तो वो कोट पैंट वाला जो स्कूल में पढ़ करके आए, जिसको हम, जिसकी पिक्चर हमने स्कूल की नोटबुक में या उसमें जो हमारी रीडिंग बुक है उसमें देखी है, लेकिन ये जो घर में हमारा दादा घूम रहा है ये जेंटलमैन नहीं है। तो ये जो मानसिकता बनाई जाती है स्टार्टिंग से लेकर के और डीएम बनने तक, उनके मन में ये चीज़ बार बार डाली जाती है कि दलित बोले तो लाचार, दलित बोले तो जिसके बदन पर कपड़े फटे हों, दलित बोले तो जिसके पैरों में चप्पल ना हो, दलित बोले तो जो टूटी साइकिल पर या पैदल घूम रहा हो, और दलित बोले तो वो जिसके कान पे आप थप्पड़ मार दो, जो पलट करके आपसे जवाब या सवाल ना करे, दलित बोले तो वो जो अपने हक हकूक की आवाज़ ना उठा सके। ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जो डीएम हैं और उनकी सोच ऐसी है, ये लोग क्या तो समाज का भला करेंगे, ये लोग क्या सरकारों को चलाएंगे बेहतर तरीके से, क्या अपने जिस पद पर ये आसीन है उस पद की गरिमा का ख्याल रखेंगे। तो भवानी सिंह जैसे लोगों ने, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी मांगना ही जो है वो काफ़ी नहीं है, माफ़ी से काम चलने वाला नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रह रह करके जो सोच है, जो उनकी सोच है, वो ऐसे लोगों की, मनुवादी लोगों की सोच जो है वो बताती है कि देश की आज़ादी को 70 वर्ष नहीं, अगर 100 वर्ष भी हो जाएंगे तो हम सुधरने वाले हैं नहीं। तो ये गंभीर मुद्दा है और इसको मैं बताना चाहता हूँ। और अभी बड़ी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली है कि लोगों ने कहीं ना कहीं उसको अपने जूते दिखाए हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा आया कि हम भी दलित हैं, हम ऐसे दलित हैं, हम 25 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, हम 1 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। तो लोगों ने बताया सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मैगजीनों में, ये बताने की कोशिश की कि हम वो दलित नहीं हैं जो दलित तुम समझते हो,
हम मनुवादी दलित, हम मनु की सोच वाले दलित नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिए गए आरक्षण से जो सूट बूट और जो हमें अधिकार मिले हैं भारतीय संविधान के अनुसार, हम वो वाले दलित हैं। तो अपना नज़रिया चेंज करिए भवानी सिंह जी, और भवानी सिंह जैसे जितने लोग इस देश के अंदर रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अब दलित को दलित की नज़र से मत देखिए। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पढ़ा लिखा बेटा है, ये बुद्ध के धर्म को मानने वाला है, जो अपने समय पर बाबा साहब की आज के समय पर उस बात को फॉलो करता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने कहा था कि एक समय भूखे रहना, लेकिन जिस समय तुम्हारा बाप महात्मा गांधी, जिस समय तुम्हारा जिसको तुम अपना आदर्श मानते हो महात्मा गांधी को, वो नंगे बदन घूमते थे महात्मा गांधी, उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोट पैंट और टाई लगा करके घूमते थे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो जूते सूट बूट टाई कोट पैंट में रहता है, वो दलितों का नेता नहीं है, मैं नंगे बदन रहता हूँ, मैं दलितों का नेता हूँ, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस दिन इस कोट पैंट और टाई की कीमत मेरी वंशज, मेरे अनुयायी, मेरे मानने वाले समझ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे वंशज, तुम्हारे मानने वाले इन दलित कोट पैंट टाई वालों के फीते खोलने पर फक्र महसूस करेंगे। आज वो समय आ गया है भवानी सिंह जी कि आज का जो दलित है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो फॉलो करने वाला दलित है, वो कहीं ना कहीं कोट पैंट टाई पहनता है, और जब वो डीएम होता है और उसका पियोन जो चपरासी होता है और जब उसके लिए पानी ला करके देता है, तो बाबा साहब की बात, बाबा साहब का ये कथन बिल्कुल सत्य साबित होता है। तो मैं यही कहता हूँ भवानी सिंह जैसे लोगों से, उनकी उनकी जो मानसिकता जैसे वादी जो लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं, कि आप अपनी सोच में सुधार करिए। ये बाबा साहब का दलित गांधी का दलित नहीं है, बल्कि ये दलित बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचार को फॉलो करने वाला दलित है। मैं चाहता हूँ